नमस्कार, आ गया है आपका होस्ट है दोस्त राहुल भोज आप लोगों के फेवरेट चैनल फीफा फूज में बताने के लिए बिग बॉस 2020 की एक गजब बात। और आपको बता दूं तो बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को मैंने दोस्तों बहुत सी बातें बताई हैं, मैं आपको जो शो में आने वाली चीजें हैं वो भी जानकारी देता रहता हूं। अब ऐसे में बताना चाहता हूं कि आज तक की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है जहां पर इस बड़ी बात का खुलासा हो गया है कि जल्द ही चार नए कंटेंडर्स घर में एंट्री करने वाले हैं। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल चार लोग घर में एंट्री करेंगे और धमाके के साथ करेंगे। और इनफैक्ट सीनियर्स ही उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बताना चाहता हूं तो सीनियर्स और जूनियर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। सीनियर जो है जबरदस्त तरीके से क्लास ले रहे हैं और प्लस सीनियर जो है वो 14 दिन के लिए है। उसके बाद शो की टीआरपी गिरेगी या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन अभी एटलीस्ट ये है कि सीनियर्स की वजह से शो जो है अच्छा रिस्पॉन्स पा रहा है। अब दोस्तों ये चार कंटेंडर कौन कौन है, तो खबर ये है, मैं ध्यान से बताता हूं आपको। खबर यह है कि सूत्रों से पता चला है कि चार कंटेंडर्स नैना सिंह, शार्दुल पंडित, रश्मि गुप्ता और चौथा जो कंटेंडर है वो पवित्र पुनिया का एक्स बॉयफ्रेंड प्रतीक सहजपाल है। इन चारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये चार मुंबई होटल में क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि इन लोगों को घर के अंदर एक सीक्रेट टास्क देकर दिया जाएगा, सीक्रेट रूम में रखा जाएगा, फिर उसके बाद वहां से इनको टास्क देकर कुछ एंट्री कराई जाएगी। बाय गॉड, लिटरली मजा आ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। और घर के अंदर मुझे लगता है कि ऐसा सीनियर्स के जाने के बाद कहीं ना कहीं शो गिर सकता है, तो जूनियर्स को आगे बढ़कर शो की बागडोर अपने हाथों में लेनी ही होगी। और ये चार जब आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। पवित्र पुनिया का एक्स प्रतीक जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। एंड यस, नया हूं चैनल में, थोड़ा सा सपोर्ट करें, कमेंट जरूर करें।